हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि आप सबसे पहले स्टार्ट होगा कन्वर्जन, जिसमें सब बेसिक हम जानते हैं कि नंबर डेसिमल नंबर जो होता है उसका बेस 10 होता है, जो 0 to 9 होता है, और बाइनरी नंबर जो होते हैं उनका बेस जो होता है 2 होता है, जिसका होता है 0 और 1, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जो 0 1 ही समझता है। ऑक्टल नंबर की बात करें तो इसका बेस जो होता है वो 8 होता है, जो 0 to 7 होता है। अब अगर बात करें हम हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है वो 16 होता है, और इसको 0 to 15 होता है, लेकिन जब हम 9 तक जाते हैं उसके बाद ये ABCDEF से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट अगर देखें हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो हमें अच्छे से पता है डेसिमल का बेस जो होता है 10 होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 2, मतलब सिंपल है कि हमें बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो बेसिक क्या होता है ना, कि अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आपका जिसमें करना है तो उसको आप डिवाइड करते हैं, जैसे हमें बाइनरी में करना है तो उसे हमें वो हम 2 से डिवाइड करेंगे, और बचता जो रिमाइंडर है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 266 को मैंने डिवाइड किया है 2 से, तो क्या आया है 133, और रिमाइंडर आपका 0 आया है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है तो वहां पे हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 133 को 2 से डिवाइड किया है तो 66 आया है, और इसका रिमाइंडर 1 बचा है, जो हम क्या किए हैं राइट साइड में लिखे हैं, और 2 को 66 से जब मतलब डिवाइड हुआ है तो इसको हम 33 आया है और रिमाइंडर 0 बचा है। ऐसे आप हम देखेंगे 16 हुआ तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, 2 8 किया है तो 0 आया है, 4 के 0, 2 2 0, ये लास्ट में आपका 2 1 2 हुआ, जहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 है। अब हम इसे देखते हैं कि जब रिमाइंडर जब लास्ट आता है तो हम लास्ट के नंबर को लेके हम ऊपर की साइड जाते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाइनरी नंबर ऐसे लिखेंगे 1000010010, ऐसे हम बाइनरी नंबर निकालेंगे। सो आप आंसर में देख सकते हैं 1000010010, और आपका बेस 2 आया है, तो हम ये देख सकते हैं। तो ऐसे हमने सीखा आज कि डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो मैंने पहले भी बताया था डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में क्या है, डेसिमल क्या है, 10 बेस है, तो हमें पता है ये डेसिमल है, और बाकी हम देखेंगे इसको कन्वर्ट किस में करना है, 8 है इसका बेस, तो मतलब ऑक्टल में करना है, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे एग्जांपल देके हम आपको बताते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, ऑक्टल में 172, देखिए 172 को 8 से डिवाइड किया है तो 21 आया है, और रिमाइंडर हमारा आपका क्या बचा है, 4 बचा है। फिर हम क्या किए हैं, इसको 8 से डिवाइड किए हैं तो हमारा 2 टाइम्स क्या है, 16 होगा, और रिमाइंडर 5 हुआ है, तो हम इसे नीचे से लेके गए हैं तो आपका क्या हो गया है, 254। तो हम देखेंगे आंसर में क्या है, 254, मतलब कि आपको ऐसे है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसका सेकेंड मेथड भी है, आप क्या करेंगे इसको इसको 421 से भी चेक कर सकते हैं। इसको फर्स्ट टाइम क्या करेंगे आप, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद बाइनरी नंबर्स जो होंगे उसको 3 डिजिट को आप इसको 3 डिजिट बना के इसको आप 421 से चेक कर लेंगे, जिसको आपको पता चल जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे पता कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल और भी ले लीजिए आप, मैंने 256 को, इसको डेसिमल है जो आपको ऑक्टल में चेंज करना है, तो आपने देखा 256 को 8 से डिवाइड किया गया है तो 32 आया, रिमाइंडर आपका 0 बचा है, फिर 8 से किया गया है तो रिमाइंडर 0 बचा है, तो आप देख सकते हो 4 टाइम्स गया था, इसलिए आप नीचे से ले जाएंगे तो 400 आ रहा है, जिसमें ऑक्टल आपका 400 आ रहा है आपका। अब देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, मतलब आप देख सकते हैं डेसिमल इसका बेस 118 जो है उसका 10 है बेस, और इसका 16, मतलब कि हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 118 को मैंने 16 से डिवाइड किया, 7 टाइम गया है और रिमाइंडर आपका 6 बचा है, तो 76 आपका आया हुआ है आंसर। सो आप देख सकते हैं, मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी आपको मैं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर आपको ऐसे चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसका बाइनरी नंबर निकालेंगे, बाइनरी नंबर निकालेंगे, फिर आप देख सकते हैं बाइनरी नंबर इसमें क्या लिखा है, निकला है
जीरो। तो आप देखेंगे इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से लेते हैं, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। तो आपने क्या किया है, जीरो वन वन जीरो, तो मैंने इसे फोर फोर का पेयर, क्योंकि हेक्साडेसिमल में जो है फोर का पेयर बनता है और आपका ऑक्टल में आपका थ्री का पेयर बनता है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे टू के पावर एन से इससे आप डिनोट कर सकते हो, टू के पावर सिक्स 64, टू के पावर फाइव 32, टू के पावर 16, मतलब कि आप बड़े से बड़े नंबर का आप चेक कर सकते हो इस पैटर्न के थ्रू। तो अभी क्या है 8421 से, क्योंकि आप हेक्साडेसिमल को चेक कर रहे हो तो यहाँ पे आपका फोर का पेयर बनाया हो, इससे आपका फोर फोर का पेयर बना है जिसे आप चेक कर रहे हो 8421 से। तो आप देखो जहाँ पे आप वन वन रहता है वहां के आपको डिजिट को आप लेते हो, तो यहाँ पे क्या है वन वन है तो फोर टू क्या होगा सिक्स होगा, और आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए फोर यानी वन टू फोर तो क्या हो गया सेवन हो, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो एट, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो आंसर इसमें भी आपने चेक किया तो क्या आया, सेवन सिक्स आया। सो फ्रेंड्स आज यहीं तक वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग और सारी कन्वर्जेंस बताऊंगी कैसे और में करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।